माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। सेना को मिली बड़ी कामयाबी। सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश कर रहे तालिबान पाक के 6 आतंकवादियों को सेना के जवानों ने मुठभेड़ में मार गिराया। शुरुआती जांच में पता चला है कि उनमें से एक तालिबान पाक का सरगना अब्दुल राशिद उर्फ अब्दुल सलाम भी है। आइसन पाकिस्तानी के तक कोल्हू में धो के पैर देबे के चाही। आपको बता दें कि अब्दुल राशिद उर्फ अब्दुल सलाम इससे पहले मुंबई ब्लास्ट और 99 के कंधार प्लेन हाईजैक में भी शामिल था। इस आरन के हुरा से मारे की चाहिए मुहा भुर्रा हो जाए। इस आरन सन के तक कीड़ा लखन थूरे के चाहिए। आइए अब सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता प्रशांत के पास, जो इस समय मेजर जनरल अभय प्रताप सिंह के साथ मौजूद है। सर, इस ऑपरेशन के बारे में हमें थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, इसके बारे में हम ज्यादा कुछ अभी नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमने तालिबे पाक के कमांडर अब्दुल रशीद उर्फ अब्दुल सलाम को मार गिराया और इसका श्रेय हमारे सूबेदार मोहम्मद अली को जाता है। सूबेदार जी, सेना की इस कामयाबी पे पूरा देश खुश है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बस इतना कहूँगा कि पाकिस्तान को अपनी औकात में रहना चाहिए। पाकिस्तान को हम खुलकर करते हैं ये ऐलान, क्रिकेट का खेल हो या हो जंग का मैदान, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए काफी है हिंदुस्तान का ये अकेला मुसलमान। इसी एकता की मिसाल पर आपने अपने गांव में एक स्कूल भी बनवाया है, बजरंग हाई स्कूल। एक मुसलमान होकर आपने अपने स्कूल का नाम बजरंग हाई स्कूल रखा, क्या आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? आप हिंदू हैं और मैं मुसलमान, मगर हम दोनों हैं इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूं और तू पढ़ ले मेरा कुरान। अपने दिल में तो बस एक ही है अरमान, एक ही थाली में खाएं सारा हिंदुस्तान। इसीलिए तो कहते हैं मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। हेलो, जय हिंद अब्बू। जय हिंद छोटे मियाँ, जय हिंद। ए भैलू, एक फौजी बाप के ओकर बेटा के सच्ची सलामी। और बताओ बेटा, अम्मी कहाँ बनी? हाँ एक मिनट अब्बू, अम्मी अब्बू के फोन बा। अस्सलाम वालेकुम सुबेदार साहब। वालेकुम अस्सलाम साहिबा। का करत रहलू? राहुल कामयाबी पर शुक्राना नमाज अदा करत रहनी। माशाल्लाह माशाल्लाह, जजाक अल्लाह। वैसे रहुआ टीवी पर छा गेल बानी। आपन सदका उतार दे हब, नाता सबसे पहले हमार नजर लागी। अरे ठीक बा ठीक बा। और बतावा, छोटे मियाँ मुन्ना से तो बात हो गई, अपन बड़े मियाँ बजरंगी बेटा कहुआ बाने? मत पूछी, जब से खबर सुन ले बाड़े तब से खुशी से पगला गेल बाड़े। पूरा गांव में ऐसा जश्न मनावल जाता जैसे बुझात बा होली ईद दिवाली सब त्योहार अजुए भोखे। आ, 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 आ,
भैया हाले हाले मोरी माँ के केस सवारे हिंद महासागर भी जननी के पाँव पखारे भैया हाले हाले मोरी माँ के केस सवारे हिंद महासागर भी जननी के पाँव पखारे केसरिया हरियर मिलके जहाँ नया रंग बन जाला जहाँ ईद होली में साथे गले लग के गीत गवाला रमजान में राम दिवाली अली कुजे आरती साथे अजान साचो हवे सोना के चिड़ैयन हो हमर देशवा महान सच हवे सोना के चिड़ैयन हो हमार देशवा महान सवारे जहाँ गंगा यमुना मैया सरगम के सुर में बोले जहाँ हरियर फूल पतैया लहर लहर लहरा लहर दम गजब तिरंगा सान सच हमने सोना के चिड़ैयन हो हमर देशवा महान सच हमने सोना के चिड़ैयन हो हमर देशवा महान के जहां ले ले अवतार हो जननिया जन्मभूमि भी जहां स्वर्ग से बढ़ के होले सीमा पर सीना ताने वीर वंदे मातरम बोले वीर जान कुर्बान करे ले हंसते हो सत जान सच हवे सोना के चिड़ैयन हो हमर देशवा महान सच हवे सोना के चिड़ैयन हो हमर देशवा महान जय हिंद अब्बू। जय हिंद बरखुदार। जय हिंद। और बतावा का होत बा? धान कट गए, आलू के बुआई खातिर जोताई भी हो गई। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। और बतावा स्कूल का का हाल बा? लड़का बढ़ गेल बड़े, तीन चार को टीचर रखे के पड़ी। और हाँ याद बा ना, स्कूल के वार्षिक महोत्सव के दिन नजदीक आ गेल बा, अरे वो आवे के बा। अरे एक घड़ी तो बॉर्डर पर बहुत टेंशन चलत बा, फिर भी कैसे भी करके एक दिन का छुट्टी लेकर जरूर आई। जय हिंद। जय हिंद। गीता तू तक का करी, ऐसे तो तू हमके सटे ही ना देवेला, ऐसे दूर भागेला जैसे हम छिपकली होगी। चकली बुझ गई नी,
ई सब तोर हमरा से चिपके के नाटक रहे। ठंडी लागत है का? एक पे चिपक जावे हीटर के गर्मी लाके लगी। चुप चिपका। देख ई तो रोज रोज के नाटक से हम परेशान हो गेल बानी। अपना जवानी के हीटर कौन और फीटर के सप्लाई कर। जय राम जी की। ए बजरंगी, जवान लड़की के सिवान में अकेले छोड़ के जाता रहा। चकली, हे भगवान, हम का करी। अब बता बता नहीं तो की। अभी बाना लखन आजत कहे बड़े? अरे हमरा चोली में मछली घुस गई बा। मछली घुस गई बा? तोर चोली हकी ना हो रहा। रुक रुक, कटिया फंसा वही के पड़ी। अब चोली में कटिया कैसे फंसी? तब फिर निकली गई थे हाथी से। हाथी से निकाल दो ना ए बजरंगी प्लीज। ना बेटा हाथ ना डालब, कुछ हो गई तब। चली हमरा चली। निकाल दो ना प्लीज बजरंगी। चकली निकाल दो ना, बड़ी गुदगुदी लागत है। कमर पता ना एकर प्यार के रिमझिम फुहार हमरा पर कब पड़ी। अरे बारिश के बाद गर्मा गर्म चाय का मजा लिया जाओ। आओ दानी। काम। आए। पूजा, पूजा भगवान की, पूजा प्यार की। अरे पूजा बजरंगी केरे दादा। अरे बजरंगी भैया, अरे हाय देखा इनके, जाएगा बलरामपुर और ये जाते हुए पूजापुर। अरे रुका भाई, रुका। आई, आई, आई। मैडम जी, स्माइल प्लीज।
थैंक यू चाय वाले भैया थोड़ा दांत निपोड़िए दैट्स इट नाइस अब दो गर्मा गर्म चाय अब ये भी लाता नहीं चाय वाले भैया ये अमनपुर गांव कितने किलोमीटर दूर बा 7 किलोमीटर बताइए ना चाय वाले भैया ये अमनपुर गांव कितना दूर बा अरे हम वही गांव के हैं भैया वही गांव के हैं अच्छा अच्छा वो गांव में बजरंग हाई स्कूल भी बा का हाँ और वो बजरंग हाई स्कूल के बजरंगी ये हवन हाँ मैडम ये बजरंगी भैया के कड़ा मेहनत की वजह से गांव में इतना बड़ा स्कूल बनल बा हाय I'm Pooja. I come from London. Me also coming from London. 2-in-1. Come on. Out. Strong man. 2-in-1. He kaun number? Matlab, madam ka secretary plus photographer. Aur number lucky tiger. Ho gaya 2-in-1. Sharir to tohar bakri niyan ba. Aur number tiger. कमेला जैसन शरीर लेकर अगर कोई आदमी मनोज टाइगर हो सकेला तो हम लकी टाइगर काहे नहीं हो सकते आप लोग लंदन में भी रह के भोजपुरी बोला था नहीं आपन देश और आपन भाषा कबो न भूले के चाहिए अरे वाह आप सिर्फ तन से ही नहीं मन से भी बहुत खूबसूरत बानी तारीफ के लिए शुक्रिया मगर सच तो यह है कि सेवा ही संतुष्टि के दूसर नाम हो कबो करके देखी बहुत ही सुकून और आनंद मिली दरअसल हम लंदन से यहाँ राउर गांव की एकता भाईचारा और सूबेदार मोहम्मद अली की बहादुरी पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनावे आयल बानी आप लोग चिंता ना करें जी हम मिल गए नी ना डॉक्यूमेंट्री बनावे में कोनो दिक्कत ना आई हम आप लोगन के पूरा गांव नगर घुमा के सब जानकारी हासिल करवा दे चाय थैंक यू जी कितना पैसा भाई अरे रुका आप लोग हमारे मेहमान बढ़ा जाए जी छेदी हाँ भैया तू ये लोग के बढ़िया होटल में ठहरे के इंतजाम कर ठीक बा पूजा जी कल 10 बजे हम आपसे मिले आई थैंक यू वेरी मच सी यू टुमारो आई आई Good morning. Yeah. Come on. Yes. Hey, एको बात बताओ. Yes. दिनवा भर तू आगे पीछे सेंटवा कहाँ छिड़केला? गैस करो. बोझो तो जाने. सुनना. ये लंदन वाले रोज नहाले नहीं. No. बदबू आवत हुई. No. Not बदबू. Actually, मैं बताता हूँ. हमारा incoming ज़्यादा. Oh. Outgoing कम. तो from the back. That's why. ये बहुत जरूरी है, you know, बहुत जरूरी. Good morning, बजरंगी जी. Very good morning. रूम की साफ सफाई करवा दी हो, please? साफ सफाई ना? हाँ. अब रूम छोड़ दी. क्यों? दरअसल हमरे माई के पता चला था कि आप लोग लंदन से आके होटल में रुकल बानी, तो हम पे बहुत गुस्सा लिया. मेहमान के होटल में ना घर में रखे के चाहिए. लेकिन बजरंगी जी, हमनी की वजह से घर वालन की तकलीफ होगी. आप ही ना कहले रहली, सेवा ही संतुष्टि के दूसरा नाम है. ठीक है. 301 के चेकआउट प्लीज. ओके मैम. एंड 302 आल्सो चेक आउट फाइनली एंड सॉरी फॉर बैड मूव. ए गाड़ी रुको. मैडम जी. हाँ जी. यहाँ चाय बहुत बढ़िया मिलेला, चली चल के पी ली हल जाओ. हमरा के चाय बहुत पसंद बा, चली. नो. हॉट टी इनकमिंग और बिग ब्लास्ट आउटगोइंग. सो सॉरी दैट्स व्हाई. भाई कम से कम चाय चैन से पी ले बेटा. ओके ठीक बा. ओके तू इजे बैठा, हमने क्या होता नहीं जा. अ गुड आइडिया. हां थैंक्स. हाय न्यून होटल था. चलो बैठे. अरे तनी चाय पिलावा. का कट पीस पा यार. कट पीस ना सभी खाए.
बिल्कुल पूरा 20 बार कमर 32 के असीना 36 के सही कह ले भाई बा एक बार ही हमरा का मिल जाती ना तो सही मेजरमेंट बता देती ऐसा कौन खुशी मिल गई जे तू लोग इतना हंसा था राजा हमनी के मजाक कराता नहीं तू जा अच्छा तो केहू के बेटी बहन के बारे में अनाप सनाप बोल के तू लोग के मजा आवा था आवा था ते काहे रंग में भंग डाला था रंग में भंग ना अब हम तो हनी के हड्डी तोड़ा कहे कि जब हड्डी टूटी तब आदत छूटी रोक ना सुन भाई बोलो भाई छोटे छोटे गोली दगला से बढ़िया रही तू एक साथ बम फोड़ दे तो हूँ के आराम मिल जाए अहमनियो के गुड आइडिया हाँ गुड उतार यस उतार यस निकाल कमिंग रिलैक्स ओ सॉरी हाँ प्रभु यस हाँ ओके हो गए क्लीन पक्का अब पक्का ना आई बैठी सॉरी क्लास ओ सॉरी थैंक्स थैंक्स बिहाने ये रिश्वत कैसन इन्फॉर्मेशन चाहिए लंदन से केहू आवे वाला बाका हाय पूजा जी सॉरी प्लीज गो वाह भैया वाह बड़ी टंच भोजी ढूंढ ले वाडन आई एम सॉरी प्लीज गो ए हमार चॉकलेट वापस दे चॉकलेट तो खा गई नहीं वापस चाहिए तो कल सुबह ले लिया अम्मी ये है पूजा नमस्ते बेटा आवा अंदर चला जी आवा ओके लास्ट ब्लास्ट ओके देख भाई यस अब मेरे घर को ब्लास्ट मत करना प्लीज ओके हाँ लास्ट टाइम आउटसाइड पूजा जी कभी हम
हमके तो ना कहला गीता जी मुझे रंग ना रूप एक उचलनी अदूसर सूप यू नो मुन्ना सेज माई गेस्ट फ्रॉम लंदन कोई जलता है तो जले हम तो चले हम तो चले अते एक आते थे तरे जो अंदर आ लंदन वाली के तो हम बैंड बजा के छोड़ब पूजा बेटी नाश्ता हो गयल अब चला आराम करला जी माँ चला ज्यादा इनकमिंग हो गई बा और आउटगोइंग चालान काट गई बा ट्राई करो चनी रुको रिलैक्स हो ये दोनों कहाँ गए ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते जय राम जी मुन्ना हाँ जल्दी करा बेटा स्कूल जाए खाते देर होत बा मुन्ना सुना हम तो तैयारी मानी भैया ही रोज की जैसे लेट बाड़न अच्छा बात बिता भर के आप बात इतना बना होता रे हम भी तैयार बानी रोज के जैसन तोरी बिना पेमेंट वाली ड्यूटी करे खातिर तो चल बेटा आज तोरा के हम तौलिए पले चल भैया कपड़ा और कपड़ा अरे रह दे अम्मी अरे बाबू होकर कपड़ा पहना दे पागल भाई दोनों माँ जी हम आपसे एक बात जानना चाहता नहीं हाँ बेटा पूछा माँ जी आज जहाँ केहू मंदिर के दीवार तोड़ता केहू मस्जिद के छत तोड़ता दुनिया भर के इंसान मानवता में बंटवारा करता वहाँ एक ही छत के नीचे एक माँ की नमाज और बेटा की पूजा करत देख हम बहुत हैरान बानी बेटा तू बहुते अपनापन से पूछत बाड़ू ऐसे बतावत बानी हमरे शादी के 4-5 साल हो चुकल रहे फिर भी हमरा एक को औलाद न भइल अपने दिल में औलाद के मंशा लेके अजमेर शरीफ दरगाह पर गईनी और जब अजमेर शरीफ से मन्नत मांग के वापस लौटत रहनी जा और हमार शौहर उ बच्चा के पुलिस के सौंप देनी जा बाकी ऊ लड़का से हमार ऐसा लगाव हो गयल रहे कि वो के देखे खातिर हम रोज पुलिस थाना अपन शौहर के साथे जाए लगनी अरे आई आई राउर के ही इंतजार करत रहनी हमने के लाख कोशिश के बावजूद बच्चा चुपे नहीं होता कौनो बात ना रोज के जैसन आज भी हमार गोदी में दूध पिए थे सो जाई है ना रउआ लोग के हम ही बतावल चाहता नहीं कि आज हमनी के 3 दिन हो गए लेकिन ये बच्चा के गुमशुदगी या चोरी की रिपोर्ट कोनो थाना में दर्ज नहीं किया भाई अभी बच्चा के अनाथालय ही भेजे दरोगा जी एगो बात कहीं दरोगा जी जी कहीं अगर ये लड़का के अनाथालय के छत की जगह एगो माई के ममता के छत मिल जाए तो का बुरा हो दरोगा जी आज से ही लेकर अनाथालय के पलना में ना रुकैया के गोदी में खेली आप कानूनी प्रक्रिया पूरी कर और हमने कानूनी प्रक्रिया पूरा करके वो लड़का के अपना लेनी जा लड़का के गले में बजरंग बली के लॉकेट रहे यही से हमने ओकर नाम बजरंगी रख देनी और 4 साल बाद जब हम ओकर स्कूल में दाखिला करावे गए नी जा नाम बजरंग पूरा नाम बजरंग अरे कलर साहब कहा देखा था नहीं लड़का के साथ उकर बाप का नाम पूछा था नहीं तई लड़का का बाप मोहम्मद अली हम्बानी ठीक ठीक लिखा और एक बात
हमार बजरंगी पूरा गांव के हनुमान हवन। कौनो संकट होके तऊ है उबारेला। एगो बात कही आपसे। हाँ? राव री घर एकदम काशी काबा जैसन बा। ई चौखट पर आकर ऐसन बजाता जैसे काशी की परिक्रमा और काबा के तवा हो गए। ई मुझौसी सौतन बने के चाहतिया। पहले हमरे बजरंगी के पटौलस और अब ओकरा माई के अपना बात के लासा से लासा दिया। बाकी अगर ई विदेशी फेविकॉल भी आना तो हम हूँ देसी लिडोरा के लासा है। नमस्ते। नमस्ते। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसन बानी? ठीक बानी। पूजा ये गीता है, ये और बजरंगी बचपन के दोस्त हुए, साथे पढ़ले लिखले हुवन, पास के ही गांव में रहेली। एकर बाऊजी और बजरंगी के बाऊजी पुरान मित्र हमें। ये गाजर के हलवा ले आई बानी बजरंगी खातिर, ओकरा के बहुत पसंद आना। कहा बा बजरंगी, दिखाई नहीं खन दे। पूजा जी। पूजा जी, आरा के इमरती बनवा के लिए आई बानी आपके खातिर, खाई ना हमारे हाथ से। हाँ। अरे पूजा जी, आप तक खाते नहीं खी। खादा नहीं। एक और ली ना, आपके हमार कसम। दहिजरा हाँ। की नाती कसम दे दे के जलेबी खियावत हमें, हमार बस चलित ना तो ई विदेशी बनरिया के यही जलेबी में माहूर मिला के खियाते थी। बजरंगी, तरह हमरा पे भरोसा काहे नहीं खे, नहीं खे। वो लंदन वाली काहे लागे तो के अनमोल, अनमोल। ओकर मीठी मीठी बतिया में झोल 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 का कमी बा हमरा में बोल 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 बोल। लंदन वाली तो के बहुते पसंद बा, तब अने खाती हमरो दिल रजा मंद बा। दे ताली दे ताली, अब हम हूँ बनब लंदन वाली। Bye.
हमारा स्कूल काफी बड़ा है, हमारे पास बच्चे भी बहुत सारे हैं। हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज दी हुई हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड है, ये हमारा सेकंड स्टैंडर्ड है। बहुत सारी फैसिलिटीज हमने अपने बच्चों को दी हुई है। मैं रानी लक्ष्मी बाई हूँ, मैं रानी लक्ष्मी बाई हूँ। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। रिंकी किशन उदय बबलू, ये पूजा मैडम बाड़ीन। हेलो बच्चा लोग। हेलो। ये हमने के स्कूल देखे आल बाड़ीन और एगो डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनावा ताड़ीन। मैडम जी, अपन स्कूल वार्षिक महोत्सव में आवे वाला प्रोग्राम के हमने के तैयारी करतानी जा और हम झांसी के रानी के पार करतानी। वाओ। और हम मैडम जी अपन देश के आजादी दिलावे वाला महात्मा गांधी जी बनल बानी। हाँ। और हम देश के सीमा पे लड़े वाला सैनिक। वाओ। तो उन्हीं लोग से मिलके हमरा के बहुत खुशी भइल। हम तो बस यही दुआ करब कि यही किरदार तू लोग असल जिंदगी में भी निभावा जा। पूजा जी। हाँ जी। चलिए आपके और भी जगह घुमावे के बाद। ठीक है, बाय बच्चा लोग। बजरंगी पोपट नियन कबले विदेशी फल के खाली निहरते रह, ये हाल रहल तो एक दिन कोनो और गांव के कौआ पटा के चोंच मारे लागी और तू टुकुर टुकुर देखते रह जीवा। बोल द बेटा अपन दिल के बात, ना तो एक दिन ही लेके चल जाई और तू पूरे गांव में पागल जैसन गावत फिर बा। केकरा सोच में डूबल बाड़ा? अपन सुनहरा भविष्य देख रहा वाली। पर इस सत्ते का है पूछा तारे, हम इनके घुमावे लेके आयल बानी। बीच में रोड़ा बनल छोड़ दे बुझले। पूजा जी। हाँ। चली घाट पे नाव से गंगा जी घूमे के बाना। हाँ आवो तानी। अम्मी इली प्रसाद मंदिर गए रहनी है तो सोचती है भगवान के दर्शन कैला के बाद राहुल भी दर्शन कर ली। घर में केहू दिखाई नहीं दे, कहाँ गए बा सब लोग? अब वो बजरंगी मुन्ना के स्कूल छोड़े गए बाड़े और बाकी। हाँ हाँ पूछ गई नी। विदेशी मैडम अभी तक सूतल हुई है। अरे सूरज का पारे पे बा, और विदेशी नारी अभी तक सुतले बाड़ी? अपन भारतीय नारी पसवारी में चिराई बोलल ना कि उठ के फटाफट कुल्ला करके चौका बेलन करे लागी ली। अरे सूरज उगे तक पूजा पाठ करके खाली हो जाली। सोची अगर ऐसन विदेशी लड़की केहू के घर में बहू बन के आ जाओ तो सास की काम। अरे कुछ हमके भी बोले देबू माजी। माजी प्रसाद। पूजा जब से आयल बिया तब से भोरे भोरे उठ के जॉगिंग खातिर जाएल, ओकरा बाद मंदिर में भगवान के दर्शन करके हमरा खातिर प्रसाद लाइल ना भूले ली। पूजा लंदन में रह के भी आपन संस्कार और संस्कृति नहीं की भूलल बिया। कसरत करे के चाहिए सवेरे सवेरे उठ के, अच्छा आदत है। पूजा चला नहा धो के नाश्ता कर, आ जा आ जा। झोसी तो नहीं जॉगिंग तो तुझसे काले हम कराई। चकली 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 चकली। अब वो लंदन वाली के दिखाई हम हमार कमाई, वो मुझौसी यहाँ से आई। हम इन नकली सांप के धागा से पकड़ के खींचब, फिर वो चुड़ैल हमारी नकली सांप के असली समझ के डर के पीछे भागी और जाके सीधे कीचड़ वाला गड्ढा में गिर जाए धरा और चिड़चिड़ा के गांव छोड़ के भाग जाए। बाप रे ये गांव है कि गड्ढा, अब छोड़ दे भी आगे गड्ढा।
बजरंगी सिटी तो मारत रहला देखी के हम के रोजे मढ़ा खेत दलानी तो हरा किया हम के खोजे अरे याद कर जहिया बेकरार रहला लंदन वाली से पहले हमार रहला मजाक कर ले बा जा घरे जा और नहा धो लो और नहा धो के नाग देवता के दूध पिला दी हो कोनो संकट होई तो टल जाए टल जाए हम गर्मा गर्म ताजा ताजा गोबर बाल्टी में भर दे ले बानी हाँ। एक तोहरे मदद से पूजवा के ऊपर डाले के बाद जैसे ही हमके आवत दिखाई दी हम ओके एजा बुला ले फिर हम बड़ा प्यार से ओके एहर ओहर के बाद बतियावर सीधा पार्टी के नीचे लेके आ जाए थोड़ा और ठीक बा ओकरा बाद हम जैसे ही सीटी बजाए वैसे ही तू पार्टी के रस्सी खींच दी है गोबर ये गांव हमरा से ना दिखाए हम आज ही लंदन लौट जाए जा 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 चल राजू हाँ। लग जा फटाफट काम पे काम भइला के बाद हम तहरा के 100 रुपया इनाम में दे ठीक बा ठीक बा लेकिन याद रखी हा, हमरा सीटी बजावला के बाद ही तू बाल्टी के रस्सी खींची हा। अच्छा अरे गीता अरे पूजा जी सुबह सुबह जॉगिंग जॉगिंग कैला से बॉडी फिट रहला ना अब आपकी धूप लगता तनी एजा आ जाए ना ना ठीक है अरे तनी थोड़ा और एजा आ जाए थोड़ा और थोड़ा और ठीक बा चकली अब ये स्टाइल है अब योगा करे करे के नया स्टाइल है दी हमरा के हम बजावत आनी ना आज ही सिटी के साथे तहरो सिटी बज जाए ना ही बजता सॉरी बाय अरे अरे पूजा जी चकली यह हमार सौती निकल ली पूजवा के भगावे खातिर अब कोनो दूसर उपाय करे के पड़ी
ड्यूटी के का बाटे राजबाबू ने, सुनो हमके बता दो तू आज बाबू ने, तोहर ड्यूटी के का बाटे राजबाबू ने, सुनो हमके बता दो तू आज बाबू ने, गलिया को राइल लागे बोती बड़े दिन दिन जितने कम सिन बाड़ू वतने लागलू हसीन हो, दिनो दिन निखरे तो हर जवान नमकीन हो, सावलापन गॉन, हेल्दी गोरापन ऑन, बोरो प्लस हेल्दी व्हाइट फेयरनेस क्रीम चकली। हेलो अब्बू, जय हिंद। जय हिंद बजरंगी बेटा। सुना खुशखबरी बा, बड़ी मुश्किल से दो दिन खातिर छुट्टी मिलल बा। हम स्कूल के प्रोग्राम में हिस्सा लेवे खातिर गाँव आवत आनी। परसों पहुंच जाई, तू स्टेशन आ जाई। हा जी अब्बू। नमस्कार भाई जान। नमस्कार, धन्यवाद। सलाम मोहन। अरे, अरे, अरे जगदीश बाबू, अरे का हालचाल बाबू? एकदम ठीक भाई जान। अरे हमार गीता बिटिया कैसन है? अरे का बा गीता बेटी, पैर छुआ। खुश रहा, खुश रहा। अरे हमारा घर में कम आ यही जाते रह ले। आ, अरे भी तो एकर घर है। अरे हाँ भाई, का है ना। आई अब्बू। अरे पूजा जी। अब्बू नमस्ते सर। ई पूजा जी। नमस्ते नमस्ते। और इनकर सेक्रेटरी लकी भाई साहब। अच्छा। ई लोग अपन स्कूल और अपने गांव के एकता भाईचारा पर एगो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनावे लंदन से आयल वालों। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है बेटा। सर आप फ्रेश हो जाइए, फिर मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। जरूर, क्यों नहीं बेटा। लकी रेडी? ओ या वन सेक। हाँ कम ऑन सर। रेडी? यस रेडी। लकी रोल। इट्स रोलिंग एन एक्शन। सर सबसे पहले तो हम आपके गांव अमनपुर की एकता और भाईचारे के बारे में जानना चाहते हैं, ताकि पूरे देश और दुनिया में एक संदेश पहुंचे
हमारा ये गांव अमनपुर अपने आप में एक देश है। मैं तो बस इतना कहूंगा कि किसी को भी पूरा भारत दर्शन करना है तो बस वो यहाँ हमारे गांव चला आए। उसे यहाँ हर परंपरा हर संस्कृति देखने को मिल जाएगी। सर अब अपने बजरंग हाई स्कूल के बारे में कुछ बताइए। बच्चे देश के भविष्य हैं। हम अपने स्कूल के बच्चों को सिर्फ ABCD क ख ग ही नहीं पढ़ाते बल्कि हम उन्हें त्याग बलिदान और देशभक्ति का भी पाठ पढ़ाते हैं। देश के महापुरुषों क्रांतिकारियों के माध्यम से इसकी कुछ झांके कल आपको हमारे स्कूल के वार्षिक महोत्सव में देखने को मिल जाएगी। सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। लकी कट। ओके। ए बेटा तू तनी एयरपोर्ट चल जाइ, कल अपने स्कूल के वार्षिक महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में अपने आला अफसर मेजर जनरल अभय प्रताप सिंह के बुलावे लेवानी। जी अबू। दोस्तों इस बच्चे संदेश ने 400 मीटर की रेस मात्र 1.5 मिनट में पूरी की। आप लोग देखना कि एक दिन ये बच्चा हिंदुस्तान का नाम रोशन करेगा। धन्यवाद। आओ। अब हम इस साल के स्कूल के वार्षिक महोत्सव की शुरुआत करते हैं। हमारे सामने आएंगी रानी लक्ष्मीबाई के रूप में कुमारी रिंकी। दुश्मन पर छाई से भी डर जाए ऐसी ज्वाला बनो। उठो नारी, जागो नारी, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। मैं रानी लक्ष्मी बाई हूँ, मैं रानी लक्ष्मी बाई हूँ। अब हमारे सामने आ रहे हैं महात्मा गांधी के रूप में मास्टर उदय। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं, अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं, और देश की सेवा से बड़ा कर्म नहीं। सारे धर्मों का आदर करो, सर्व धर्म सद्भाव। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। अब आपके सामने हिंदुस्तान के फौजी के रूप में आ रहे हैं मास्टर पब्लू। बच्चों ने बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है हम भाई भाई। आजाद भगत बिस्मिल अशफाक के तेवर और जुनून है हम। गांधी सुभाष सरदार पटेल का बलिदानी खून है हम। अपन हाथ से बुनले बानी। माशाल्लाह, केहू के नजर ना लागे, एकदम हीरो लागा तानी। अब हम जाता नहीं। ए जी स्वेटर तो उतार दी, गर्मी बा जब ठंड पड़ी तब पहनिया। मोहब्बत के धागा से बुनल तुम्हारे हाथ के इस स्वेटर के सामने अब गर्मी का भी कोनो असर नहीं है। अब तो इस स्वेटर हम रोज रोज पहनब और एकर हर धागे के बुनाई में जवन तुहार मोहब्बत समाइल बा ओके पल पल महसूस करब। अच्छा हम जाता नहीं। हेलो का रे छोड़ना चाहता। सॉरी 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 अब ओके सेंट छोड़ना चाचा था। खुश रहो बेटा, खुश रहो।
हमनी के साथ टाइम बिताए खातिर बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी रही शुक्रवार, हमनी वो वापस लंदन चल जाए जा। ठीक है, बाकी फिर वापस आई है। ये गांव और ये घर सब तो हो रही है। जी सर। अच्छा बेटा जगदीश बाबू जी। चलो बेटा जी चलो। तीन दिन बाद पूजा वापस लंदन चल जाए और अभी तक हम उनके अपने दिल के बात बता भी ना पाओ। बजरंगी आज तक हम एगो माई बन के बात करत रहनी, बाकी अब सिर्फ और सिर्फ एगो फौजी के पत्नी बन के बात करब। तू पूजा से प्यार करेला ना? बोला हाँ या ना? बेटा पूजा हमके भी बहुत पसंद पिया। इला ई अंगूठी पूजा के पहना के ओके दिल पे अपन प्यार के मोहर लगा दा। ला से अपने दिल के बात कहे के चाहता नहीं। हाँ कहीं दिल के हर धड़कन बस तोरे ही नाम ले वेला। सांस में बस तोरे ही चाहत के खुशबू माकेला। आई लव यू पूजा, आई लव यू। अगर तो के अमार प्यार स्वीकार बा तय अपन हाथ के लूहिया रापे चाले गोली और राज सबोरी के
से दोहरा के बनो भैया। हाँ? तनी एक किलो पेड़ा पैक करवा दे। अच्छा अच्छा अभी पैक करवा देता नहीं। ए छोटुआ एक किलो पेड़ा पैक कर देता। भाई के रहे लोग? पता ना भैया, ये बाजार हो, यहाँ बहुत लोग आई जाए कर। हेलो बजरंगी, हम स्कूल आयल रहनी हैं प्रिंसिपल सर और सबसे मिले खातिर। अब तू जल्दी से हमरा के लेवे खातिर स्कूल आ जा, फिर अम्मी से मिलके आओ, पैकिंग करके एयरपोर्ट पहुंचे की बा। जल्दी आओ। जल्दी आओ।
हो गई बजरंगी बेटा, जंग केवल हथियार से ना हौसला से भी लड़ल जाला। तोहरे जैसे नौजवान अपने भारत का भविष्य हो। इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान जब भी टूटल, टूट के जुड़ल और जुड़ के उठल और उठ के इतना मजबूत हो गई कि सामने वाला टकराइल तरफ टूट के चर्रा चर्रा बिखर गई। त्याग और तपस्या की धरती पे भगवान श्री राम रावण के जुर्म और अहंकार के लंका के दाह दिलन। भारत में इनकलाब जिंदाबाद के नारा लगाए वाले क्रांतिकारी अंग्रेजन के गोली के मात दे दिलन। तो के भी जंग लड़े के पड़ी बेटा, और इस जंग में तू अकेले नहीं खा। चला बेटा चला। इस बच्चे संदेश ने 400 मीटर की रेस 1.5 मिनट में पूरी की। एक दिन ये बच्चा हिंदुस्तान का नाम रोशन करेगा। शरीर के कम होके से हिम्मत कम ना होला भैया। इस स्कूल में पढ़ाई की शुरुआत फिर से हुई और हम पढ़ल चाहते नहीं भैया। बजरंगी तू अकेला नहीं खा, हमने की तरह साथे बने जा। मत के हथियार बना के दाई सन पैगाम आसमान भी झुक के करे हमानी के से हाथ मिला के धीरे से कदम बढ़ा के हथवा से हाथ मिला के धीरे से कदम बढ़ा के जिंदगी घर जिए के बताए गो बतिया मान लो जिए के जुनून मन में ठान लो जिए के जुनून मन में ठान
पत्थर पे भी फूल खिलिया बनल रही मुस्कान हो टूटे नहीं पाई भरोसा दिल में गठरी बांधला जिए के जुनून मन में ठानला जिए के जुनून मन में मोहम्मद अली भी हुए शहीद तू हूँ अपना आपके समारा हम जिनकी भर माइक की सेवा कर रहे बजरंगी बेटा एमए शहीद मोहम्मद अली के सामान हुए अम्मी इरत में भाड़ी उबाहर ना सके के नजर ना लागे एकदम हीरो लागा तानी अब तो स्वेटर हम रोज रोज पहना और एकर हर धागे के गुनाई में जवन तुहार मोहब्बत समाइल बा ओके पल पल महसूस करो हमेशा की तरह सरकार ने शहीदों के परिवार वालों को सम्मानित करने का फैसला लिया है और यह हमारे बटालियन के लिए गर्व की बात है कैसन गर्व सर कुछ नहीं क्या होके वाला ऐसा गर्व से और ना ही ऐसा सम्मान से शहीदन के चीता पर दस्तोप 20 राइफल के सलामी दगला से कैसे उनके आत्मा की शांति मिल जाए अरे हम पूछा था नहीं ऐसे का होखे वाला बाजार टीवी पर नेता लोग के संवेदना प्रकट कैला से कैसे शहीद के घर वालों के आंसू पोछा जाए उनका दर्द कम हो जाए नहीं सर शहीदन के आत्मा के शांति तब मिली जब गोली सलामी में चीता पर ना
दुश्मन के छाती पर दागल जाई। सर, 125 करोड़ ही जा। अगर हिंदुस्तान के 10 जवान बॉर्डर पार कर गई ना, तो पाकिस्तान के लाश दफन करे खातिर कफन भी अमेरिका से भीख मांग के बढ़ जाई। देखो बजरंगी, खून तो हम सबका भी ये सब देख सुनकर बहुत खौलता है, मगर हमारी फौजें हमारे जोश से नहीं, कानून और संविधान से काम करती हैं। तो जरा दी ऐसा कानून के, फूक दी ऐसा सिस्टम के, जवन बना के रखते ले फौज की। बजरंगी, तुम अपना आपा खो रहे हो। पापा के बात करता नहीं सर, हम तो अपन सब कुछ खो चुकल बानी, सब कुछ। देखो बजरंगी, तुम्हारे अब्बू के हमारे ऊपर बहुत एहसान है, इसलिए एक अनऑफिशियल बात बताना चाहता हूं। आतंकवादियों ने तुम्हारे अब्बू को अपनी दुश्मनी के कारण मारा था। उस इलाके में 4 कैंप और थे, मगर हमला सिर्फ उसे टारगेट करके किया गया जिसमें तुम्हारे अब्बू थे। तालिबे पाक ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए मोहम्मद अली की मौत के पीछे अपने कमांडर अब्दुल सलाम की मौत का बदला बताया है। अगर ऐसा बात बा सर, तई लड़ाई हम खुद लड़ा। शुरू जंग के तौर हुई, लहू से लाल लाहौर हुई, तिरंगा लहराई दुश्मन के छाती पे, कसम देश के माटी के। जंग हथियार से ज्यादा हौसला से जीतल जाता है, और इंडियन आर्मी के हौसला और जज्बा के पूरी दुनिया सलाम करेला। पाकिस्तान में घुसकर जॉन हमनी के सर्जिकल स्ट्राइक के प्लान बना बतानी जा। ओकरा में 104 फौजी जाइए सर। 104? सर हमनी तो 4 बनी जा, बाकी के 100? कैप्टन बजरंगी, तू अकेला ही 100 के बराबर, ओकरा हर कदम पर भूकंप के झटका आओ, जॉन दुश्मन की तबाही खातिर काफी बा, ओकरा सीने में मरे या मारे के नहीं, सिर्फ मारे के जज्बा। फौज की ट्रेनिंग के दौरान ही हम ओकरा भीतर देशभक्ति के जज्बा के ज्वालामुखी जैसन धड़कन महसूस कैले। कैप्टन बजरंग पोटिंग सर। आओ कैप्टन आओ। इसके सीने में आग है, और जब किसी का दिल जलता है तो वो दुनिया जला देता है। मैं सिर्फ पाकिस्तान जलाना चाहता हूं सर। ये वो 5 टेररिस्ट कैंप हैं जिन्हें हमें टारगेट करना है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ये टेररिस्ट कैंप तालिबे पाक चला रहा है, जिसका फाउंडर है मौलाना महमूद असगर। 1999 के कंधार प्लेन हाईजैक कांड में भारतीय बंधकों के बदले इसे कश्मीर जेल से रिहा किया गया था। जुबान पर इस्लाम की तबलीग और मजहब की आड़ में यह इंसानियत को डस रहा है। यह है मिर्जा अहमद बेग, दुनिया की नजर में पाकिस्तान का एक ईमानदार नेता, पर हकीकत में शैतान की छठवीं औलाद है। एक व्हाइट कॉलर क्रिमिनल है जो तालिबे पाक के लिए फंडिंग का काम देखता है।
ये सिर्फ बजरंग हाई स्कूल बम ब्लास्ट का दोषी नहीं है, मुंबई पुणे हैदराबाद के अनेकों बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड यासिर खान है, आईएसआई का एजेंट और तालिबे पाक का एक्टिव मेंबर। सर, तो सबसे पहले पांचों कैंप को नहीं, इन तीनों को उड़ाना चाहिए। जिन हाथों से इन्हें मारना होता है, हमारे वो हाथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून से बंधे होते हैं। एक बात और याद रखना, इस मिशन की कोई भी जानकारी आप लोग अपने परिवार वालों को नहीं देंगे। इस ऑपरेशन में यदि कोई पकड़ा जाता है या मारा जाता है, तो इंडियन आर्मी उसे पहचानने से या उसे अपना सैनिक मानने से इनकार करेगी। सर, ये सब सोचकर हमने आर्मी ज्वाइन किया है। कल हम रहे ना रहे, हमारा हिंदुस्तान तो होगा, वतन पे मिटने वालों का बाकी निशा तो होगा। सर, दो दिन हो गए, अब तक कैप्टन बजरंगी के कौनो सुराग नेखे मिलल। कहीं ऐसा ना भई लोग है कि वो दुश्मन के हत्या चढ़ गई लोग है। सर, टीवी ऑन कीजिए सर, पीटीवी पर एक अहम खबर है सर। आज की सबसे बड़ी खबर, हमारे मुल्क पाकिस्तान में घुसकर एक हिंदुस्तानी दहशतगर्द ने दिन दहाड़े पाकिस्तान के 3 रसूख लोगों को अगवा कर लिया है, जिनके नाम है मौलाना महमूद असगर, मिर्जा अहमद बेग और यासिर खान। उस दहशतगर्द का हिंदुस्तानी होने का अंदेशा इस वजह से लगाया जा सकता है क्योंकि कहीं हिंदी, कहीं उर्दू तो कहीं संस्कृत जुबान में अलग अलग जुमले लिखे पाए गए हैं। ये सब के का मतलब हो सकेला? आजमाइश जितनी बड़ी हो, इनाम उतना ही ज्यादा होता है। क्या मतलब हुआ इसका? सर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, लंका जरी असुर संहारे। सर, ये तो हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है। जालिम के दुश्मन और मजलूम के मददगार बनो। सर, ये हजरत अली का फरमान है। एक काम करो सर, इन तीनों के नाम लिखो। इसको इधर और इसको उधर करो जी। हनुमान जी, मोहम्मद साहब, अली साहब। हनुमान जी को हम बजरंगी नाम से भी जानते हैं, इसको बजरंगी करो सब। और अब तीनों को यदि शॉर्ट कर दिया जाए, इन तीनों को शॉर्ट करो। ऑफिसर, ये हमारा बजरंगी है, पाकिस्तान में अपनी मौजूदगी का हिंट दे रहा है। ऑफिसर, मिनिस्ट्री से बात करो, पाकिस्तान में अपने जितने रॉ एजेंट हैं उनको फोन करो कि वो बजरंगी की मदद करें। यस सर। अलार्म करते वक्त बकरों के छटपटाने से उनके ताकत का अंदाजा लगता है। आज तुम्हें भी छटपटाने का मौका दिया जाएगा। हलाल तो तू होगा हिंदुस्तानी काफिर। हम तो तुझे ऐसा हलाल करेंगे कि छटपटाने का वक्त भी नहीं मिलेगा। शायद तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा हमारी जान बचाने यहाँ आएगा। चल दे आवाज, दे आवाज, देखता हूँ कितने आते हैं। कोई है? कोई है? कोई है? आज मुंह से निकाला कि पिछवाड़े से, या पूरा पाकिस्तान बहरा हो गया है।
तुम्हें तो ऐसी भयानक मौत दूंगा कि तुम्हारी लाश के पास डरकर पाकिस्तान के चील कौवे भी नहीं आएंगे। ए, मौत के सौदागरों को मौत की धमकी देता है? अरे हम जहाँ कहते हैं ये मौत की तवायफ उसी के घर मुजरा करती है। फिलहाल तो मौत तुम तीनों के सिर पर मुजरा कर रही है। फोन लगा, बुला पाकिस्तानी मीडिया को, लगा फोन। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, सिर्फ एक ही रिपोर्टर आना चाहिए। आज दुनिया के सामने तुम अपने गुनाहों को कबूलोगे, उसके बाद मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारी मौत को लाइव देख के जिहाद जिहाद के नाम पर उछलने वालों की रूह कांप जाएगी। लगा फोन। हेलो, टेलीकास्ट करके हमारी मौत का तमाशा दुनिया को दिखाना चाहता था। देख, पाकिस्तान के मशहूर चैनल के एक मशहूर रिपोर्टर आयत खान को हमने बुलाया है। मोहतरमा आयत खान, ये रिपोर्टर के साथ साथ हमारी तंजीम की सबसे एक्टिव मेंबर भी हैं। तालिबे पाक के कमांडर अब्दुल रशीद उर्फ अब्दुल सलाम मेरे शौहर थे, जिसे तुम्हारे बाप मोहम्मद अली ने मार दिया, और उनकी मौत पर पूरा हिंदुस्तान झूम उठा था। तुम्हारे गांव में, तुम्हारे स्कूल में मेरे शौहर की मौत पे लोग जश्न मना रहे थे। तुम्हारे जश्न को मातम में बदलने के लिए एक प्लान के तहत मैं हिंदुस्तान आई थी। वही जा रहे खातिर हम भोजपुरी भी सीखनी, वहाँ के तौर तरीका, मंदिर, पूजा सब सीखनी। उस दिन मैंने तुम्हारी मौत भी मुकर्रर की थी, लेकिन अफसोस तुम बच गए। हमरा तरफ से रउआ खातिर एक छोटा सा भेंट। थैंक यू। तू हमारा फ्लाइट छुपा के ही दम ले, प्लीज जल्दी आव। उसी धमाके में तुम्हें भी मरना था, लेकिन इत्तफाक से तुम बच गए। शायद तुम्हारी मौत पाकिस्तान में ही मुकर्रर थी। तुमने खून किया है हमारे भरोसे का, तुमने खून किया है पवित्र माँ के विश्वास का, तुमने खून किया है हमारे प्यार का। जानती हो पूजा और आयत, ये दोनों नाम कितने पवित्र और पाक हैं। तुम ये दोनों कहलाने के काबिल नहीं हो। काबिलियत दिखाने के लिए तुम्हारे वालिद ने मेरे शौहर को बेरहमी से मार दिया था ना, अभी उसका हिसाब पूरा नहीं हुआ है, पूरा होगा तुम्हारी मौत से। हाँ।
एक हिंदुस्तानी काफिर को अपने कब्र की तलाश में पाकिस्तान आना पड़ा। चलिए जनाब, आपने तो पुलिस का काम आसान कर दिया। ठीक है, अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जज़ाकअल्लाह। जज़ाकअल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर, मीडिया वाले आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जनाब, पूरे वाकयात को तफसील से बताइए। अरे, धोखे से उठा लिया था हम, लेकिन जब हमारा खून खौला तो भाग लिया वो गिदड़ हिंदुस्तान की मान में। अब तो वो इस जन्म में हमारे पाकिस्तान में घुसने की जरूरत नहीं करेगा। जनाब, वैसे भी एक ही तो जन्म होता है। मियां, ये हिंदुस्तानी काफिर सात जन्म लेता है, सात। महकता हुस्न का की माम हूँ मैं, जहाँ दो दिल मिले ऐसी शाम हूँ मैं। इस्लामाबाद से कराची तक मेरे जलवे हैं, सारे आशिकों के दिल की लगाम हूँ
मेरे ठुमके, मेरे ठुमके लाहौर में बैन हो गए, मेरे ठुमके, अरे मेरे ठुमके लाहौर में। में इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। हेलो, इंसाने का शर्ट है, ये तो हिंदी में है, पढ़िए इसमें क्या लिखा है। पाकिस्तान की मिट्टी में इतना दम नहीं जो किसी हिंदुस्तानी को अपनी आगोश में जकड़ सके। बजरंगी, फिक्र मत कीजिए जनाब, खुद को शिकारी समझने वाला वो हिंदुस्तानी दहशतगर्द बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगा। पाकिस्तान के 3 रसूख लोगों पर 2 बार हमला, जान से मारने की कोशिश, ये केस हमारे महकमे के लिए नासूर बनता जा रहा है। सिर्फ एक ही आदमी है जो इस केस को जल्द से जल्द खत्म कर सकता है, और वो है आफताब खान। लेकिन जनाब, आफताब खान तो सस्पेंड है। मुझे मिनिस्टर लेवल पे बात करनी होगी और उसे रीपॉइंट करना होगा। लेकिन जनाब, आपको तो पता है कि आफताब खान मुजरिमों के साथ बोली से नहीं गोली से बात करता है। जनाब, वो कानून भी तोड़ता है और गुनेगारों की हड्डियां भी। उसकी तोड़ी हुई हड्डियों को दुनिया का कोई भी डॉक्टर जोड़ नहीं पाता। जनाब, आफताब खान का हाथ ना ही कोई फकीर देखता है, ना ही कोई वजीर। एक मामूली से पुलिस ऑफिसर की इतनी जरूरत कि वजीर पे हाथ उठाए, इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना होगा। आफताब खान की नजर में वजीर और फकीर में कोई फर्क नहीं। आफताब खान देखता है तो सिर्फ सही और गलत। मुझे उस बात का इल्म है और इस बात का भी, इस केस को अगर जल्द से जल्द कोई सॉल्व कर सकता है तो वो है आफताब खान। सस्पेंड होने के बावजूद डिपार्टमेंट की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास हमसे पहले पहुंच जाती है। फिर तो आपको इस बात का भी इल्म होगा कि आपको आज यहां क्यों बुलाया गया है। ये रहा आपका रीजॉइनिंग लेटर। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि ऑफिशियली तो आप कानून के दायरे में रह के ही काम करेंगे, और अनऑफिशियली मेरी तरफ से आपको पूरी छूट है। बट आई वॉन्ट रिजल्ट। ये है वो 4 शख्सियत जिनकी जान को खतरा है।
इनकी जान को खतरा क्यों है? ये तो वो दहशतगर्द ही बता सकता है। आफताब, मुझे आपकी रजामंदी की उम्मीद है। सर, मैं अपने हर काम की शुरुआत बाबा लाल शाहबाज कलंदर के दरगाह पे हाजिरी देने के बाद शुरू करता हूं। करने के बावजूद इस सेफ होम से बाहर निकलने क्या जरूरत थी? जीवन दान मिलने के आवज में आभार प्रकट करने के इरादे से बाबा के दर पर माथा टेकने गया था। अरे तो बता देते, हम उस हिसाब से कुछ अरेंजमेंट कर देते। किस्मत के धनी हो जो मौत के मुंह से बाहर आए हो। दुश्मनों को तुम्हारे धमकी भरे खत मिलने और तुम्हारे जिंदा रहने की खबर से पूरी पाकिस्तानी पुलिस चौकन्ना हो गई है। जानते हो, जो आदमी तुमको दरगाह शरीफ के बाहर जूते का फीता बांधने के लिए कह रहा था ना, वो आदमी पाकिस्तानी ऑफिसर आफताब खान था और तुम्हारी गिरफ्तारी का जिम्मा उसी आफताब खान को सौंपा गया है। हमारे जैसे कई रा ऑफिसर सालों से पाकिस्तान में रह के भारत के लिए काम करते हैं, आज तक किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई, और तुम हो कि कुछ ही दिन में हड़कंप मचा दिए हो। अब दो चार दिन में पूरी तरह से ठीक होने तक तुम यहां से बाहर नहीं निकलोगे। हम सही मौका देखकर तुम्हें वापस इंडिया भेज देंगे। मैं अपना मिशन पूरा किए बगैर वापस नहीं लौटूंगा। हेलो। हेलो सर। जय हिंद सर। सर, बजरंगी हमारी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा है और वो हमारी बात को बिल्कुल नहीं सुन रहा है। सर, हमने उसको समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा है। लीजिए सर, बजरंगी से बात कीजिए। बजरंगी सर, जय हिंद सर। जय हिंद बजरंगी। ये हम क्या सुन रहे हैं? हमारे मिशन से हटकर काम करने का अंजाम जानते हो? सर, अंजाम की चिंता तो पाकिस्तान को होनी चाहिए, क्योंकि जितनी पाकिस्तान की जनसंख्या है उतने भारत में कैदी हैं। कैदियों को बोल दो सजा माफ, साला सुबह होते ही पूरा पाकिस्तान साफ। ऐसा लग रहा है जैसे तुम अपनी जाती दुश्मनी का बदला ले रहे हो। सर, अगर आपको लगता है कि कंधार प्लेन हाईजैक में मारे गए लोगों के दोषियों को सजा देना मेरा जाती बदला है तो ठीक है सर, ये मेरा जाति बदला है। अगर आपको लगता है कि 11 जुलाई 2006 में मुंबई के लोकल ट्रेन बम ब्लास्ट में मारे गए 210 लोगों की जान का बदला लेना मेरा जाति बदला है तो ठीक है सर, ये मेरा जाति बदला है। 26/11 ताज अटैक में 166 लोगों को 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अपने अकाओं के आदेश पर सरेआम भून कर रख दिया, उसका बदला लेना मेरा अगर जाति बदला है
तो ठीक है सर, ये मेरा जाति बदला है। मेरे गांव के मासूम बच्चे और स्कूल के स्टाफ सहित 72 जाने जिनके इशारे पर गई, उनको खत्म करना मेरा जाति बदला है। तो ठीक है सर, ये मेरा जाति बदला है। भारतीय सेना के सूबेदार मोहम्मद अली व अन्य 7 फौजियों की मौत का बदला लेना मेरा जाति बदला है। तो ठीक है सर, ये मेरा जाति बदला है। सर पे कफन बांध कर निकला हूं, कट सकता हूं, मर सकता हूं, पर भगोड़ा सिपाही नहीं बन सकता। मैं अपना मिशन पूरा करके ही लौटूंगा। लेकिन बजरंगी, अगर तुम पकड़े गए तो भारतीय सेना पर एक बहुत बड़ा दाग लग जाएगा। सर कह देना कि बजरंगी आपकी सेना का जवान था ही नहीं। मुझे पता है उसकी नौबत नहीं आएगी बजरंगी। उन पाकिस्तानियों को उनकी औकात दिखा दो, उन्हें एहसास दिला दो कि किसी भी हिंदुस्तानी को उंगली ना करें। अगर उनकी सटक गई तो वो उंगली नहीं सीधे बांस करेंगे। खून से खेलेंगे होली, गर वतन मुश्किल में है। सर फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ऑल द बेस्ट बजरंगी, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय हिंद सर। अफरोज बेटा, रिसेस में टिफिन खा लेना। अल्लाह हाफिज। बदमाशी मत करना बेटा। बाय 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 बेटा। आज हम 7 साल 3 महीने और 18 दिन बाद मिले हैं। मैं आज तक कुछ नहीं भूला। हमारी कॉलेज की वो शरारतें, आपसे हुई पहली मुलाकात, हमारे प्यार के वो दिन, वो जज्बात, वो नगमात, मैं आज तक कुछ नहीं भूला। प्यार में यार के मैं तो जीना छोड़ दूं, बिना सोचे एक पल सांस लेना छोड़ दूं। हाँ, प्यार में यार के मैं तो जीना छोड़ दूं, बिना सोचे एक पल सांस लेना छोड़ दूं। तू ही है बंद की पढ़ूंगा नमाज उम्र भर। रहती है तितली जिस तरह फूलों के सामने, वैसे ही रखना मुझको तुम आंखों के सामने। तेरे चेहरे के पानी से नजर ने वजू कर लिया है सनम। सजदा करो हुस्न को तो आंचल बिछा दो। तुझ पे करे तू इच्छा।
नामुमकिन। ये नामुमकिन आयत, हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है, अब तुम किसी और के नाम की मेहंदी अपने हाथों में रचाना चाहते हो तो जाओ रचा लो, लेकिन एक बात याद रखना, वो मेहंदी हमारे खून से रची जाएगी। आपके शौहर का इंतकाल कैसे हुआ? कराची के एक सड़क हादसे में उनका इंतकाल हो गया। सुनकर बड़ा दुख हुआ। अब तो ये जिंदगी बस अफरोज के मुस्तकबिल के लिए जी रही हूँ। अब अफरोज को पढ़ा लिखा कर उसे एक उस फहमी में मत रहना कि मेरा निशाना चूक गया। तुझे मारना होता तो बजरंगी का निशाना कभी चूकता नहीं। तुझे इतने आसानी से नहीं बल्कि तड़पा तड़पा के मारूंगा। फिक्र की तो बात है जनाब, आज आयत खान पे हमला, खुदा का शुक्र है कि वो बाल बाल बच गई। हेलो जनाब, मैयत कब आएगी? जनाब रॉन्ग नंबर। आई बड़ा बेगैरत आदमी है। आयत खान पर हमला करने के बाद वो हम पर भी हमला कर सकता है। हेलो जनाब, मैयत कब आएगी? अरे भाई क्यों परेशान कर रहे हो, बोला ना रॉन्ग नंबर। मेरे हिसाब से हमें कमिश्नर साहब से बात करनी। इसने तो परेशान करके रख दिया है। ए, हाँ, समझा इस बेवकूफ को। जी जनाब, जी जनाब। हेलो, देखिए मिर्जा साहब। जनाब कब्रिस्तान से परवाना करीमुल्ला बोल रहा हूँ। हाँ जनाब फरमाइए। जनाब मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैयत कब आएगी? अरे जनाब आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे बारात कब आएगी। किसकी मैयत? अरे जनाब जिसका इंतकाल हुआ है। एक मिनट जनाब, जनाब यासीर खान का जनाब। एक मिनट जनाब, एक मिनट। हम लोगों का जीना हराम हो जाएगा। एक मिनट, सही फरमा रहे हैं आप। क्या कर रहा तू? अरे जनाब मैं तो चेक कर रहा था लाहौल वेला कुवत कि आप जिंदा हैं या चल बसे। अरे लाहौरी टाइगर साहब, खुदा के वास्ते पादना बंद कीजिए, नहीं तो सचमुच में हम चल बसेंगे। अरे जनाब इस परवाना की बात सुनकर तो हमारी तो सिर्फ हवा निकली है, लेकिन भाईजान आपका तो पखाना भी निकल जाएगा। ये लीजिए, बात कीजिए। तौबा तौबा। हेलो। अरे अरे जनाब कब से पूछ रहा हूँ कि मैयत कब आएगी? किसकी मैयत? मरहूम यासीर खान की। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूँ मियां, यासीर खान के नाम का डेथ सर्टिफिकेट आ चुका है।
अब मैयत कब आएगी जरा बता दीजिए जनाब, क्योंकि कब ब्रेकडम तैयार है। मेरी कब? देख लीजिए। मेरी कब्र? हैरत की बात है जनाब, हैरत में तो मैं हूँ। पहली बार किसी लाश को चलकर कब्र तक खाते हुए देखा है। एक और हैरत की बात है जनाब, ये 6 फीट का इंसान 5 फीट के कब्र में घुसेगा कैसे? खड़ी करके डालेंगे क्या? ये क्या बात है जनाब, ये सही कह रहे हैं। वो क्या ना, आपकी हाइट थोड़ी ज्यादा है और कब्र की साइज थोड़ी कम है, तो एक काम करते हैं, आपको एक हाथ काट देते हैं। नहीं, 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 आपको नहीं, मेरा मतलब है कि ये कब्र को कट करके इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। बस आप एक काम कीजिएगा जनाब, आधे घंटे रुक के मरिएगा। बज रहा है, बज रहा है। हेलो, एक हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी में फर्क का अंदाजा हुआ? देख, ये हिंदुस्तानी मौत को मात देकर कब्र फाड़ कर बाहर आया, और तू पाकिस्तानी सिर्फ खुदी हुई कब्र देखकर फट गई तेरी। ए, क्या बकवास कर रहा है? चूहे की तरह बिल में छुप के मुझको धमकी दे रहा है? वैसे मौत के फरिश्तों को तेरा पता दे दिया है, 24 घंटों के भीतर वो तेरी रूह कब्ज करके ले जाएंगे। कमीना, ऐसे बोल रहा है जैसे फरिश्ते उसके बाप के नौकर हो। मेरी रूह कब्ज करेगा, मुझे मारेगा। आप तो खामोखा टेंशन में आ रहे हैं जनाब। आपके इतने लाव लश्कर हैं, इतने आदमियों के रहते हुए एक आदमी तो क्या परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सॉरी जनाब, आप घर जाएं और वहां जाकर रिलैक्स कीजिए, एंजॉय कीजिए। Oh,
मुंह बुजदिल नहीं जो धोखे से वार करे। हिंदुस्तानी शेर तो भेड़ियों के मान में घुसकर उनका शिकार करते हैं। ए हिंदुस्तानी, सिर्फ बोलने से नहीं होता, जिगरा होना चाहिए। है हिम्मत तो मैं ऐसे ला के दिखा। बॉडी अस्पताल से घर आ चुकी है, असर के बाद मिट्टी दी जाएगी। ठीक है, हम अभी पहुंच रहे हैं। उसने हमें 24 घंटे की मोहलत दी है, न जाने अब किसकी बारी है। हेलो, मेरे गांव में स्कूल के मासूम बच्चों को मारा था ना तूने? अब कुछ ही मिनटों में वही धमाका अपने बेटे के स्कूल में देखना। आज तुझे पता चलेगा औलाद खोने का गम क्या होता है। हाँ आयत बोलिए। आफताब, अभी उस हिंदुस्तानी दहशतगर्द का फोन आया था, उसने कहा कि वो अफरोज के स्कूल पे बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है। आफताब प्लीज, मासूम बच्चों का सवाल है, उसमें मेरा बेटा अफरोज भी है। आफताब प्लीज, अफरोज को बचा लो। आयता बिल्कुल मत घबराइए, मैं पहुंच रहा हूँ। हाँ हाँ, जल्दी पहुंचो।
है? हेलो, हम हिंदुस्तानी कभी मासूम बच्चों को नहीं मारते। इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा के रखी। गुमराह हो गई थी मैं, जिहाद के भंवर में फंस गई थी। जाने अनजाने में मुझसे वो अजीम गुनाह हुआ जिसके लिए शायद खुदा भी मुझे कभी माफ नहीं करेगा। आफताब, मैं अपने शौहर का हमख्याल नहीं बनना चाहती थी, लेकिन उनके इंतकाल के बाद मौलाना महमूद ने मुझे कुरान और जिहाद का हवाला देते हुए बदला लेने के लिए उकसाया। हिंदुस्तान जाकर मेरे मरहूम शौहर की मौत पर खुश हो रहे हिंदुस्तानियों के जश्न को मातम में बदलने की पेशकश की। शौहर की मौत का सदमा मेरी अच्छी सोच पर भारी पड़ गया और मैं इंसानियत भूलकर उस रास्ते पे चल पड़ी जिसकी मंजिल हैवानियत से भी बदतर निकली। जब अफरोज को एक पल के लिए कोता दिखा ना, तो मेरी ममता तड़प उठी। मुझे उन तमाम माँ के दर्द का एहसास हुआ जिनकी गोद मेरी वजह से उजड़ गई। इस्लाम के आड़ में हमारे मुल्क के रहनुमा ने ही मुझे गुमराह कर दिया। मैं अपने गुनाहों से तौबा करना चाहती हूँ आफताब, तौबा करना चाहती हूँ। इसलिए आज दुनिया की नजर में पाकिस्तान एक मुल्क नहीं, दहशतगर्दी का जंगल बनकर रह गया है, जहां मौलाना महमूद असगर जैसे आदमखोर जानवर पल रहे हैं। अगर इनका सफाया नहीं हुआ तो यकीनन एक दिन पाकिस्तान का दुनिया के नक्शे से सफाया हो जाएगा। यहां महाजिर शिया सुन्नी के फसाद में नमाज पढ़ते मुसलमानों को, पाकिस्तान के मासूम स्कूली बच्चों को पाकिस्तानी ही मार डालते हैं। हिंदुस्तान में कभी ऐसा नहीं होता। हमारा पाकिस्तान अपने घर की आग बुझाने के बजाय दूसरे मुल्क के घरों को जलाने की नाकाम कोशिश करता आ रहा है। मजहब के नाम पर मौलाना महमूद असगर जैसे लोग पाकिस्तान के नौजवानों को मौत की राह पर ले जा रहे हैं, मौत की राह पर। और यही सही रास्ता है। मजहब और दीन के लिए जो अपनी जान गंवाता है उसका दर्जा बुलंद हो जाता है, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है, उससे सवाल जवाब नहीं होता, वो सीधे जन्नत में जाता है। मगर ये हिंदुस्तानी काफिर क्या जाने अल्लाह रसूल जिहाद की बात को। याद कीजिए, याद कीजिए अजमल कसाब उनके साथियों की कुर्बानी को। 10 जाबाज पाकिस्तानियों ने हिंदुस्तान की सरजमी पर जैसे ही कदम रखा वहां जलजला आ गया, भूल कर रख दिया सैकड़ों हिंदुस्तानी काफिरों को मुंबई में। वो शहीद हुए, उन्हें जन्नत नसीब हुई, कयामत में उन्हें शान से उठाया जाएगा, जन्नत में उनकी खिदमत के लिए खूबसूरत हूरे होंगी, दूध की नदियां बहेंगी जहां उन्हें नहलाया जाएगा। लेकिन ये दर्जा उसी को नसीब होगा जो दीन के लिए जीता है, दीन के लिए मरता है। जीत गए तो गाजी, कुर्बान हुए तो शहीद।
जवानों की काबिलियत और आपके मर मिटने के जज्बे की बिना पर मैं दावे से कह सकता हूँ, एक दिन कश्मीर ही नहीं सारा हिंदुस्तान हमारे कब्जे में होगा। अल्लाह हू अकबर, 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 अल्लाह। तबीयत कैसी है? बाईपास करना पड़ेगा, ऑपरेशन थिएटर ले जा रहे हैं। आप लोग यहीं पे रुकिए। जन्नत में माइक के सामने खड़े होकर जन्नत और दोजख की दूरियां नापने वाला अपनी मंजिल नहीं पहचान सका। जन्नत की दावेदारी करता है, अरे जन्नत तो दूर, तू जहन्नुम का भी दरवाजा खटखटाएगा तो जहन्नुम में बैठा शैतान तेरे पछवाड़े पर लात मार के भगा देगा। इस्लाम बड़ा ही पाक और अजीम मजहब है, क्यों इसे गलत रहनुमाई करके बदनाम कर रहा है? तुझे पता भी है कि जिहाद क्या होता है? 41 बार जिक्र आया है जिहाद का पाक किताब में, फिर भी तू नहीं समझ सका। तुझे क्या लगा तूने ही कुरान पढ़ी है? हम सब जाहिल है, इंसान के रूप में पलने वाले शैतान। क्या खतरा था तेरे मजहब को उन मासूम बच्चों से, उन औरतों से, गांव के लोगों से? तुझे पता भी है कि कयामत के रोज ऐसी घिनौनी हरकत करने वालों की सजा सबसे पहले होगी? ये मैं नहीं, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तू कसाब हुआ उनके साथियों की बात करता है, क्या हसर हुआ उनका? जन्नत तो दूर, तेरे मुल्क ने उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया। कितने बदनसीब हैं तेरे मुल्क के शहीद, दो गज जमी भी ना मिली उन्हें पाकिस्तान में। अगर तुझे शहादत देखनी है तो भारत की फौज को जाकर देख, ना किसी का मजहब पूछते हैं ना ही धर्म, सबकी रक्षा करते हैं। तूने पाप ही नहीं महापाप किया है, गुनाह है अजीम, और इसकी सजा तो मिलनी ही है। अब मैं तुम्हें हिंदुस्तान ले जाकर तुम्हारे पिछवाड़े पर शहादत का गादर चिपकाकर फांसी पर लटकाऊंगा। काफिर हिंदुस्तानी, तू मुझे इस्लाम का पाठ पढ़ाएगा? मेरे ही मुल्क में घुसकर मुझे धमकी दे रहा है, देखता हूं तू मुझे यहां से कैसे ले जाता है। अरे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा। इस मौलाना महमूद असगर को जानता है? अब तुम्हें पाकिस्तान का बच्चा बच्चा क्या, तो खुद अपने आप को नहीं पहचान पाएगा।
अल्लाह के बंदे इसको भी दे दे। जजाक अल्लाह, जजाक अल्लाह। फिर सो जा आराम से। अस्पताल से मौलाना साहब का लापता होना पाकिस्तानी पुलिस के मुंह पे बड़ा तमाचा है। यासिर भाई के बाद मौलाना, अब तो कब्र ही है अपना ठिकाना। कोई है? कोई है? जी हाँ मियां। कोई भाई जान? थोड़ा आराम से भाई। परवाना साहब, हाँ। कोई खुदी हुई कब्र है क्या? खुदी हुई कब्र? हाँ। क्या करेंगे? बिल्कुल तैयार है कि नहीं? अरे है तो। जल्दी दिखाइए। हाँ आइए आइए। हाँ? आइए जनाब, एकदम तैयार है। कहाँ है? ये रही कब्र। हाँ, ये ठीक रहेगा जनाब। अच्छा, रखिए रसीद और ये रखिए पैसे। ठीक है जनाब। लेकिन मैयत कब आएगी? मैयत आपके सामने खड़ी है जनाब। मैं बम और बंदूक से नहीं मरना चाहता जनाब, इसलिए खुशी खुशी खुदकुशी वाली मौत को गले लगा लिया है जनाब। अब मैं ना इसमें जाके लेट जाता हूँ जनाब। आप ना कलमा पढ़ते वक्त जब मिट्टी डालिएगा ना, आँखों में ना आ जाए, पहली बार मरने जा रहा हूँ ना जिंदा जिंदा। इंसान है जनाब, मिट्टी डालिए। अरे सोचिए मत जनाब, जल्दी डालिए। मिर्जा साहब, बिलाल, इमरान, जल्दी आओ। अरे जनाब को क्या हुआ? क्या हुआ जनाब? जनाब क्या हुआ जनाब? जनाब, हेलो, मदीना हॉस्पिटल। क्या हुआ? पीए साहब कहाँ हैं? उन्होंने फोन किया था एम्बुलेंस के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है? फोन पे बुलाई हुई एम्बुलेंस अभी आ रही है, तो वो एम्बुलेंस किसकी हो सकती है? हेलो। अगर तुम अपने बेटे को बचाना चाहती हो तो बाहर खड़ी एम्बुलेंस के पास आ जाओ। तुम्हारे साथी संघाती मिर्जा अहमद बेग और मौलाना के साथ अब तुझे भी हिंदुस्तान ले जाकर तेरा हिसाब करूंगा। मैं कहाँ हूँ? आप कौन? अरे आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं मौलाना, महमूद अस्कर। आपकी दाढ़ी कहाँ गई? ये सब क्या हो रहा है मिर्जा बेग? क्या हो रहा है? इससे भी बुरी हालत होगी। जुर्म किया है तो अब सजा झेलिए। मोहतरमा फोन उठाइए। ए औरत, फोन क्यों नहीं उठाती है? अरे पागल औरत, फोन उठा, फोन उठा। छीलो उसका फोन। अब छीलो चीज का फोन। नंबर भी नहीं है, चल कर लड़की। अस्सलाम वालेकुम आयत।
आफ्ताब मियां, इस वक्त हमारी जिंदगी बहुत खतरे में है। बजरंगी हमें किडनैप करके कहीं ले जा रहा है। उससे बुरी खबर है, इस एम्बुलेंस में दो अहम शख्सियत मौजूद हैं। मिर्जा बेग और आयत दोनों बेहोशी की हालत में हैं। बेहोशी? इस वक्त आप सब कहाँ हैं? भाईजान, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जहां भी नजर जाती है जंगल ही जंगल नजर आता है। मौलाना साहब, एम्बुलेंस में क्या क्या चीजें मौजूद हैं? ये वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और ये खून की बोतल। हाँ मौलाना साहब, खून की बोतल। हाँ है। उस खून की बोतल से खून की बूंदों को बाहर गिराइए, उसकी निशानदेही से हमें लोकेशन का सुराग मिल जाएगा। लेकिन ऐसे सिचुएशन में हम खून बाहर कैसे डाल सकते हैं? एम्बुलेंस तो चारों तरफ से पैक है। मौलाना साहब, सिरिंज की मदद से कोशिश करिए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। कंट्रोल रूम, अब सारे पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दो कि उनको उस इलाके में कहीं भी खून की लाइन नजर आए तो फॉलो करें। बरकी वाले जंगलों की ओर जा रहे हैं। गुड, उसको फॉलो करो। कम ऑन, ऑन फास्ट। बिल्कुल हमारे सामने खड़ी है। आप लोग अलर्ट हो जाओ, एम्बुलेंस की घेराबंदी कर दो, मगर गोली मत चलाना क्योंकि उसमें अपने भी आदमी हैं। जी जनाब। जनाब, गोली मत चलाइएगा, हमें अरेस्ट कर लीजिए बस। शैतान अगर गुनाह कराता है तो तौबा करने पर अल्लाह माफ भी करता है। बजरंगी भाई, मेरा गुनाह माफी के काबिल नहीं था,
फिर भी आपने मुझे माफ कर दिया। खुदा कसम, मैं इस माफी के बदले अपनी जान की बाजी लगाकर भी आपकी मदद करूंगा। हाँ बजरंगी भाई, काम हो गया है। बजरंगी भाई, तुम राहत हॉस्पिटल से एम्बुलेंस लेकर बरकी रोड के आउटपोस्ट के पास जल्द से जल्द पहुंचो। वरना मैं इन तीनों की खोपड़ी खोल दूंगा। हटो, 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 गोली को तेज चलाना, हटो, 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 मैं हिंदुस्तान ले जाएगा तो खुद हिंदुस्तान जाने लायक नहीं रहा, तुझे अब रैंक रैंक कर सरहद तक जाना पड़ेगा। जाना चाहता है ना, जा रैंक रैंकता हुआ, जा रैंकता हुआ, जा चल रैंक नहीं।
माफी खातिर हमारी खून बहुत जरूरी रहा, हमरा के माफ कर दी बजरंगी। छोड़ के जा रही हूँ, मुझे पता है मुझसे ज्यादा आप उसे प्यार देंगे। मैं ना सही, अफरोज आपको हमेशा मेरी याद दिलाता रहेगा, उसे हमेशा अपने पास रखना, अफरोज का ख्याल रखना। वास्ते हमें बचा लो। हमारे राष्ट्र ध्वज का अपमान किया है, अब मैं तुम लोगों को तड़पा तड़पा के मारूंगा और तुम्हारी लाश पे चढ़ के तिरंगे को सलाम करते हुए बोलूंगा मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था है और रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद जिंदाबाद। जा, इसी बात पे तुम्हारी जान बख्श दी, पर एक शर्त है। तुम्हें हिंदुस्तानी झंडा लहराते हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अपनी सरहद की ओर जाना होगा। बोलो, शर्त मंजूर है? मंजूर, मंजूर, हमें शर्त मंजूर, मंजूर है। हिंदुस्तान। और आगे कहीं कदम रुका तो हिंदुस्तानी फौज तुम्हें गोलियों से भून के रख देगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद। दो हिंदुस्तानी दहशतगर्द हमारी हद में आ रहे हैं, भून डालो गोलियों से। फायर।
सवारे, हिंद महासागर भी जननी के पांव पखारे। भैया हले हले मोरी माँ के केस सवारे, हिंद महासागर भी जननी के पांव पखारे।